नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco X4 Pro 5G वर्सेस Infinix Zero 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X4 Pro 5G में 6.46 इंच जबकि Zero 5G में 6.64 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो X4 Pro 5G में 3 इंच जबकि Zero 5G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो X4 Pro 5G में 0.32 इंच जबकि Zero 5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि X4 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो X4 Pro 5G में 205 ग्राम जबकि Zero 5G में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो X4 Pro 5G में AMOLED जबकि Zero 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो X4 Pro 5G में 20:9 जबकि Zero 5G में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X4 Pro 5G में 6.67 इंचेस जबकि Zero 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन X4 Pro 5G में 1080x2400 और Zero 5G में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X4 Pro 5G में 86.01% जबकि Zero 5G में 84.71% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X4 Pro 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Zero 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो X4 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Zero 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो X4 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Zero 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो X4 Pro 5G में Adreno 619 जबकि Zero 5G में Mali-G 68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X4 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और Zero 5G में MediaTek Dimensity 900MT 6877 मिलता है। बात करें RAM की तो X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Zero 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Zero 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो X4 Pro 5G में अप टू 1TB जबकि Zero 5G में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
X4 Pro 5G में 3 कलर्स जबकि Zero 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹18,999, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹19,999, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹21,999 में मिलता है। और बात करें Zero 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹19,999 में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो पोको X4 Pro 5G में 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स Zero 5G की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में X4 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में X4 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Zero 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G5G है, दूसरा Realme 8 5G है, तीसरा Xiaomi Poco M3 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A53s 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।